नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज के दिन यानी 26 मई को 26 मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे। दोबारा भाजपा की सरकार बनी थी और तब से लेकर अभी तक इस समय अगर आप आसपास देखिए, जो मोदी सरकार है वह किस तरह से लाशों के अंबार में घिरी हुई है। चीत्कार है, हाहाकार है, हर तरफ देश का नागरिक खुद को बचाने, अपनों को बचाने के कोहराम में लगा हुआ है। और ठीक उसी समय हमें दिखाई देता है कि पूरी की पूरी सरकार या तो नदारद है या फिर अगले चुनाव की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय देश भीषण आपदा में घिरा हुआ है उस समय पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, वहां पर अगले साल चुनाव होना है और उसकी तैयारी में लग जाते हैं। पूरी की पूरी मशीनरी उनके साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी आदित्यनाथ, सारे लोगों को सबसे बड़ी चिंता है कि जो इतना गुस्सा लोगों का फूट रहा है, लोग सरकार को कोस रहे हैं, इसमें अपनी इमेज कैसी ठीक की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश तो पहुंच जाते हैं लेकिन वे नहीं पहुंच पाते देश के अन्नदाता के पास। आपको याद होगा आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, 26 नवंबर को देश का अन्नदाता पहुंचा था देश की राजधानी के पास। यहां उन्हें तमाम बॉर्डरों पर रोक दिया गया था। आज भी वे वहीं बैठे हुए हैं। इतने दिनों से वे मांग कर रहे हैं, वे मांग कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार 3 कृषि कानून लाई, उन कृषि कानूनों को वापस ले, क्योंकि इससे न सिर्फ खेती संकट में आएगी, न सिर्फ कॉरपोरेट का खेती पर बोलबाला होगा, बल्कि देश के गरीब को अनाज मुहैया नहीं हो पाएगा। इन तमाम सवालों पर देश का अन्नदाता तब से लेकर आज तक संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 1 मिनट का समय नहीं हुआ कि वह किसानों से बात कर सके। और हम पाते हैं कि आज की तारीख पूरे देश में किसान, किसानों के समर्थन में उतरे हुए मजदूर, तमाम और लोग आज विरोध दिवस मना रहे हैं। हम चलेंगे उनके पास, हम बात करेंगे उनसे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से इतनी भीषण आपदा में, जब कोरोना की मार है, हम और आप घर से बाहर निकलने से डरते हैं, अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये किसान, किसान महिलाएं, किसान मजदूर किस तरह से जोखिम उठा रहे हैं लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। किसान किस तरह से अपना आंदोलन आगे चला रहे हैं और आखिर उनका आगे का आंदोलन किस दिशा में बढ़ेगा, इन सब के बारे में बात करने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट से हाल जानने के लिए न्यूज क्लिक के साथी अविनाश पहुंचे सिंघू बॉर्डर और वहां देखा कि किस तरह से अलग अलग जगहों से लोग लेकर आए मोदी का पुतला, जलाया गया मोदी का पुतला और साथ ही साथ यह भी प्रण लिया गया कि आज जो पूरा का पूरा आंदोलन है इसे इतने संकट में भी तेज करने की जरूरत है। आइए देखते हैं अविनाश हमारे साथ क्या साझा करना चाहते हैं। आज के दिन का महत्व इस करके है कि इस 26 तारीख को हमारे आंदोलन को दिल्ली मोर्चे में आए हुए 6 महीना हो गया। मोदी सरकार ने हमारे साथ 11 गेट बातचीत के चलाए, 22 जनवरी के बाद गलबात में डेडलॉक हो गया, उसके बाद में उसने कोई गलबात करने का कभी प्रयास नहीं किया। ये बताने के लिए लोगों को कि जमहूरी हुकूमत, लोकराज्य हुकूमत के अंदर लोगों की चुनी हुई सरकार ने जो मोर्चे पर बैठे हुए किसान हैं इनको इग्नोर कर दिया है, इनकी बात सुनने के लिए मुड़ के कोई इसका हल नहीं निकाला, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई जतन नहीं किया, इसको उठा देने के लिए जितने जतन किए हैं बहुत सारे हमने फेल किए हैं। लोगों को ये बताने के लिए हमने, एक तो कारण ये है ये बताने के लिए हमने इस दिन को चुना। दूसरा, 26 मई को 2014 को इनको पूरे 7 साल सत्ता संभाले हुए हुए, सत्ता संभालने के बाद देश की जो दुर्दशा की है वो आपके सारे के सबके सामने है।
रोजगार की, पब्लिक सेक्टर की, हवाई अड्डों की, कोयले की खाना वगैरह, जितना पब्लिक सेक्टर कारपोरेट कराने के मुनाफे के लिए जितना काम किया है उसमें बैंकों का क्या हल कर दिया, हवाई अड्डों के का, एयरपोर्टों, पब्लिक सेक्टर को सारे को बेचने का जो प्रयास है लगे नहीं किया है वो सारे लोगों के सामने है, जिन्हें देश का भी कुछ नहीं किया। तीसरी, इसी कार्यकाल दौरान के मोर्चे के दौरान यानी महामारी का जोर, वैसे तो पहले भी महामारी कोरोना का संकट चल रहा था जब हम मोर्चा लगाया, लेकिन अभी फिर ये मोर्चा जो है ये मोर्चे के दौरान कोरोना जोर फट गया। फरवरी में इनके सेहत मंत्री का बयान लगता कि हमने कोरोना को मात दे दिया, लेकिन मार्च में ये कोरोना जोर फट जाता है। तो जब कोरोना आता है लोगों की मौत शुरू होती है, लोगों की बड़ी गिनती मरीज पेशेंट आते हैं, तो खबर आती है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टरों का प्रबंध नहीं है, यानी कोरोना के संकट के साथ निपटने के लिए मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ना बजट में पैसा रखा ना ऑक्सीजन का प्रबंध किया। आप भी जानते हैं, मीडिया संबंध रखते हैं कि फार्मेसी के संबंध में इंडिया हमारा गिनने वाले देशों में एक है, जिन्हें जो कहा जा सकता है कि फार्मेसी के संबंध में हम ऐसे हमारा ऐसा देश है कि दवाई बूटी के संबंध में हम सबसे गिरने वाले देशों में एक हैं, ज्यादा देशों से बड़ा कम प्रबंध है हमारा। और हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1,85,000 सेहत केंद्र, मेडिकल कॉलेज, सरकारी हस्पताल, सब सेहत केंद्र की गिनती है, पर इतने होने के बावजूद भी उसमें स्टाफ नहीं है, उनमें दवाइयां नहीं है, उनमें ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, नहीं पेशेंटों को सामने के लिए भी कोई भी मोदी सरकार को से ने कोई प्रबंध नहीं किया। इन तीन बातों को लेकर हमने रोज प्रदर्शन का ये 26 तारीख के दिन को चुना है। सारे हिंदुस्तान के अंदर ये रोज प्रदर्शन हुआ है, लेकिन अपील किया है सारे पब्लिक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मजदूर जथेबंदी है, विद्यार्थी जथेबंदी है, या और मुलाजमों की जथेबंदियां हैं, वो लोग सारे के सारे शामिल हुए हैं, यानी व्यापारिक तबका जो है, परचून क्षेत्र के लोग, छोटे दुकानदार लोग, आड़तिया वर्ग के लोग, यानी बड़ी एजेंसियां के लोग, सारे के सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं, बहुत बड़ा हंगामा मिला है। इन 6 महीनों के दौरान किसानों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है संघर्ष की, 500 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं और सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सोचिए, 500 भारतीय नागरिक 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए संघर्ष करते हुए शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। इन 500 व्यक्तियों के बारे में ना तो मोदी सरकार को कोई चिंता है, ना ही बाकी राज्य सरकारों को। आज जब 6 महीने यह आंदोलन पूरा कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको और हमको मिलकर इन तमाम भारतीय नागरिकों को याद करना बहुत जरूरी है। पहली बार भारत के किसी किसान आंदोलन में यह हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई। वे सिर्फ आई ही नहीं, उन्होंने कमान संभाली, उन्होंने नेतृत्व किया और उन्होंने महिला किसान अलग नहीं है, महिला किसान की खेती पर जमीन पर दावेदारी बनती है, इसे इन 6 महीनों में स्थापित किया। इन तमाम चीजों पर हमने बात की नवशरण कौर से, जो अर्थशास्त्री हैं, नारीवादी चिंतक हैं और पहले दिन से इस पूरे के पूरे आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं नवशरण क्या बताना चाहती हैं। किसान संघर्ष के 6 महीने पूरे होने पर सबसे पहले तो मैं किसानों को सलाम कहती हूँ, जिंदाबाद कहती हूँ। किसानों ने जिस दृढ़ता के साथ इस संघर्ष को 6 महीने पहले शुरू किया, वो अपने आप में लासानी है। वो संघर्ष जो उन्होंने सिर्फ शुरू ही नहीं किया, 6 महीने पूरे होने तक भी उसे कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। हर किस्म के दमन का सामना करते हुए भी किसानों ने ये संघर्ष जारी रखा। इतिहास याद रखेगा कि किस तरह से किसान औरतों, मर्दों, नौजवानों और बुजुर्गों ने इस संघर्ष को कंधा दिया और हर दमन को सहते हुए भी इस संघर्ष को जारी रखा। आज हमारा देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है, जो महामारी टाली जा सकती थी, जो सरकार की नाकामियों की वजह से एक महामारी, एक त्रासदी में बदल चुकी है। आज ये त्रासदी किसानों के लिए भी एक विडंबना बनी हुई है। वो जानते हैं कि भारी इकट्ठ, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, संक्रमण के फैलने
का कारण बन सकता है। किसानों की खुद की जानें जा सकती हैं, उनके परिवारों का नुकसान हो सकता है, उनके बच्चों का नुकसान हो सकता है, पर किसानों के पास क्या विकल्प है? आज अगर वो कह रहे हैं कि करो या मरो, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमारे लिए तय है कि हमें यहाँ कोरोना और यहाँ काले कानून से मरना पड़ेगा, ये कैसे विकल्प उनके सामने आन खड़ा हुआ है? आज जब वो ये कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा झोंक देंगे, जमीनों पे कब्जे रोक देंगे, कौन चाहता है कि वो अपने बच्चों को संघर्षों में झोंक दे? पर किसान आज इस करार पे खड़ा कर दिया गया है जहां उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा कि वो इस लड़ाई को पूरी मजबूती से, पूरी दृढ़ता से जारी रखे। आज हम जानते हैं बहुत सारे मंत्री और बहुत सारी अखबारों के एडिटोरियल भी आ रहे हैं कि किसानों को ये संघर्ष रोक देना चाहिए, वो एक बार फिर से संक्रमण खत्म होने के बाद वापस लौट सकते हैं। पर हम जानते हैं जिस तरह की किसान महिलाएं आज बार बार पूरे पंजाब से, हरियाणा से और टिकरी सिंगू और दूसरे बॉर्डर से कह रही हैं कि हम डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे, किसानों की ये हुंकार है जिसको सरकार को ज़रूर सुनना पड़ेगा। और आज हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा हूँ और इस सरकार से जवाबदेही मांगे कि वो किसानों की मांगों को क्यों नहीं मान रही, क्यों उन्हें इस कागार पर धकेल रही है। इस किसान आंदोलन की खासियत यह भी है कि इसने अलग ढंग का सांस्कृतिक पटल, अलग ढंग के गाने, अलग ढंग का संगीत, अलग ढंग की फिल्में, अलग ढंग का सांस्कृतिक विमर्श पैदा किया। ठीक उसी पंजाब से, जिस पंजाब में गाने के लिए तमाम तरह के रैप और पॉप म्यूजिक ही लोकप्रिय थे, जब पंजाबी संगीत की बात आती थी तो तमाम तरह के अश्लील रैपों की भरमार हो जाती थी। लेकिन आप देखिए कि इस दौरान सारे टॉप सिंगर्स, जितने के जितने शीर्ष गायक हैं, शीर्ष अभिनेता हैं, शीर्ष सांस्कृतिक कर्मी हैं, वे सब आए किसानों के पक्ष में और उन्होंने अपना पूरा लहजा बदला। ये जो सांस्कृतिक योगदान है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, तेलंगाना का हो, राजस्थान का हो, हर जगह से हमें दिखाई दिया कि दूसरे ढंग की बयार चली। इस बारे में हमने बात की अमोलक सिंह से। अमोलक खुद एक बेहतरीन गायक और लेखक हैं और लंबे समय से इस पूरे आंदोलन को दूसरे ढंग का तेवर देने के लिए काम कर रहे हैं। वह टीकरी बॉर्डर में जमे रहते हैं, वहां पर अलग ढंग के नाटक, अलग ढंग की फिल्में, सारा का सारा कुछ संयोजित करने में जुटे रहते हैं। हमारे देश में खेती के खिलाफ बनाए गए काले कानूनों के खिलाफ भले ही चल रहा आंदोलन ज्यादातर किसान आंदोलन के नाम पे जाना जा रहा हो, लेकिन ये किसान आंदोलन ही नहीं, ये किसान, मजदूर, नौजवान और सभी वर्ग के लोगों का आंदोलन है। ये देश का आंदोलन है, ये समाज का आंदोलन है। ये आंदोलन महज भाजपा सरकार या मोदी हुकूमत के खिलाफ ही नहीं, उसके जो सरपरस्त लोग हैं उनके खिलाफ है, कॉरपोरेट जगत के खिलाफ, पूरे विश्व के साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ है। तो इसका असर जो हमारे जीवन के हर पहलू के ऊपर पड़ा है, इसलिए पंजाब के ही नहीं पूरे देश के साहित्य को, कला को, कल्चर को, संस्कृति को इसने प्रभावित किया है। हमारे पूरी किताबों के कल्चर में इसमें एक पूरी क्रांति लाए है। हम लोग पंजाब लोक सांस्कृतिक मंच, पंजाब लोक सभ्याचारक मंच, जिसके अध्यक्ष गुरशरण भाजी रहे हैं, उसकी तरफ से हमारी दर्जनों नाटक मंडलियां और गीत संगीत मंडलियां देश प्रदेश में पहले से काम करती आ रही थी, लेकिन पिछले 6 मंथ में दिल्ली के मोर्चों के ऊपर और पंजाब के गांव-गांव और गली गली हर जगह पे जहां जहां भी मोर्चे चल रहे हैं वहां हमने काम किया। तो इसने अपने हिस्से की जमी को पूरी को तलाश लिया है। पहले किसी जमाने में जाना जाता था कि गीत संगीत और नाटक तो फिलर होता है, जैसे कोई स्पीकर आएगा, नेता जन आएगा, उसने संबोधन करना है, उसके बीच में या उससे पहले भीड़ इकट्ठी करने के लिए गीत संगीत और नाटक हुआ करते थे। लेकिन अब पूरा हिस्ट्री बदल गया, नया इतिहास लिखा गया। अब गीत संगीत ने और रंगमंच ने अपने हिस्से की जमी और अपने हिस्से का अंबर तलाश लिया है।
और इसलिए इसने पूरे जीवन को प्रभावित किया है। पंजाब में खास करके जो पहले गैंगस्टर के गीत हुआ करते थे, नशे के गीत हुआ करते थे, या सिर्फ के सिर्फ और लड़की को एक पुर्जा बोलने के, या लड़की को एक सड़कों पे जाती हुई आग बोलने के गीत हुआ करते थे, तो पूरा परिवर्तन आ गया। तो गीत बदल गए, रंगमंच भी बदल गया। तो इसलिए आज पंजाब की धरती पे ही नहीं, देश विदेश की धरती पे इस आंदोलन के माध्यम से हमारा नया रंगमंच मैदान में आया है, गीत संगीत मैदान में आया है, बहुत से नए नाटक लिखे गए और बहुत से नए गीत संगीत आए हैं। तो इसलिए एक कल्चर क्रांति है। जैसे पहले भगत सिंह के समय सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत, या मेरा रंग दे बसंती जैसे गीत हुआ करते थे, या दुल्ला भट्टी के गीत हुआ करते थे, तो आज इसने पूरे का पूरा रंगमंच और साहित्य कला के क्षेत्र को अपने नए रंग में रंग दिया है, और किसान आंदोलन को इसने मल्टीप्लाई किया है, और इसको नई ऊर्जा और नई दिशा दी है कि आपका आंदोलन सभी वर्गों को साथ लेकर, इंटेलेक्चुअल को, कला को, साहित्य के जगत को साथ लेकर जीत का परचम लहराएगा। इसी क्रम में हम पहुंचे गुजरात। गुजरात में देव देसाई बाकी किसानों के साथ मिलकर किस तरह से आज विरोध दिवस मना रहे हैं, और गुजरात में विरोध दिवस मनाना कितना मुश्किल है। इससे पहले भी हमने देखा कि जैसे ही गुजरात में किसान विरोध में उतरते हैं, उनको घर के अंदर कैद कर दिया जाता है, उनकी गिरफ्तारी कर दी जाती है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पूरी नहीं करने दी जाती है। ऐसे में आज 26 मई को किस तरह से गुजरात में किसानों ने मनाया विरोध दिवस, आइए देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम देव देसाई है और मैं अनहद के साथ काम करता हूँ, गुजरात में रहता हूँ। और आज 26 तारीख को किसान आंदोलन के 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं। किसानों का ये कॉल था कि पूरे देश में किसान आंदोलन करे और पूरे देश में किसान आंदोलन को समर्थन करे। तो गुजरात में आज हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग किसान आंदोलन के समर्थन में काले झंडे फहराए गए हैं, और लोगों ने अपने घरों में और अपने छतों पर काले झंडे लहराए हैं। गाँवों में भी किसानों के ये जो कानून की लड़ाई, किसान कानून वापस लेने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के समर्थन में और उस कानून को वापस लिए जाए, ये तीनों काले कानून वापस लिए जाए, उस डिमांड के साथ लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है, अपने घरों पे काले झंडे फहराए हैं। क्योंकि कोरोना काल है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लोग नहीं कर पाए, कोरोना काल में अपने अपने घरों में या अपने अपने गांवों में लोगों ने काले झंडे फहरा के ये काले कानून का विरोध किया है। और बहुत सारी जगह ये ऑल इंडिया किसान महासभा, जो डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे जो किसानों के ग्रुप बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, उन्होंने इस 26 तारीख के 6 महीने जो ख़त्म हुए और जो प्रोटेस्ट है उसको समर्थन किया है। गुजरात में जिस तरीके से तानाशाही है और किसान के जो लीडर है उनको बार बार कुछ भी हो तो डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, इसीलिए ज़्यादा भीड़ लोगों ने इकट्ठा नहीं की, और जो लीडर जहाँ थे उन्होंने वहाँ रह के अपने घरों पे काले झंडे लहराए हैं। और जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जो बॉर्डरों पे किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन देते हुए ये दिल्ली तक ये मैसेज दिया है कि किसान दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उन तक गुजरात के किसान उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि गुजरात के किसान ये जो पूरे विकास का जो मॉडल है उसके पोल को समझते हैं, बहुत बहुत पहले से समझते हैं कि पूरा खोखला मॉडल है, और यही मॉडल अगर इस बिल के जरिए देश में लागू कर दिया गया तो इस देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो गुजरात के किसान दिल्ली के किसानों के साथ है, और हमारी लड़ाई जो है लंबी और आगे चलती रहेगी। जय जवान जय किसान। हरियाणा ने बहुत मिसाल पेश की है इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन में। वहां पर भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से किसानों ने प्रण लिया कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के साथ नहीं है तो वो मुख्यमंत्री या किसी भी और मंत्री को कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे। इसके लिए वहां के किसानों ने लाठी काई, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन किसान डिगे नहीं, किसान संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी जब विरोध दिवस मनाया गया, हरियाणा के अलग अलग जगहों पे बहुत मजबूती से किसान उतरे, उन्होंने पुतला फूका और अपना आंदोलन आगे चलाने का प्रण किया। उत्तर प्रदेश से भी जो खबरें आ रही हैं, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से,
उससे यह लग रहा है कि किसानों का गुस्सा तमाम संकट के बावजूद, योगी सरकार के तमाम डराने वाले धमकाने वाले कदमों के बावजूद कम नहीं हुआ, बढ़ा है। किसान अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। वे प्रण कर रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के समय सरकार ने छोड़ दिया आम नागरिक को मरने के लिए, किसानों को छोड़ दिया, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसमें योगी सरकार की दोबारा वापसी संभव नहीं होगी। किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता हैं दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन पाल, और वे लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को बहुत धारदार तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सरकार को जवाबदेह बनाने का काम भी, लोकतांत्रिक बनाने का काम भी, और बड़ी पूंजी के खिलाफ जो गुस्सा है उसे किसानों के आंदोलन के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमने कोशिश की दर्शन पाल से बात करने के लिए। आइए देखते हैं दर्शन पाल किस तरह से किसान आंदोलन के भविष्य को देख रहे हैं। दर्शन पाल जी, शुक्रिया। थोड़ा ये बताएं कि आज आपने कहां पर विरोध दिवस मनाया और क्या लोगों का मूड है आगे? आज देखिए कॉल तो पूरे देश का है और पूरे देश के जन संगठनों ने, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, डेमोक्रेटिक यूथ एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने और इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, हमारा आज का जो ब्लैक फ्लैग डे था वो हमने तो सब जगह ऑब्जर्व किया ही, अपने बॉर्डर्स के ऊपर किया, पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ से रूप से किया, कहीं मीटिंग हुआ तो कहीं वेबिनार हुआ, कहीं ट्रैक्टर मार्च हुआ, मोदी गवर्नमेंट की पुतले जलाए गए पंजाब में और हरियाणा में, खास करके मैं पंजाब में था आज, ब्लैक फ्लैग्स लगा के ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, पुतला जलाया गया, गांव गांव में पुतले जलाए गए बहुत जगह में, तो ये तो मैं शहर की बात कर रहा था। इसके अलावा आज बुद्ध पूर्णिमा रखते हुए ये भी कहा गया था कि बुद्ध पूर्णिमा को जो है वो बुद्ध की मूर्ति लेके वो भी बॉर्डर्स के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए, बुद्ध का जो जन्मदिवस है। जी, मुझे लगता है कि ये इसमें पूरे देश में एक रोष की लहर है जो मोदी के, क्योंकि 7 साल भी आज पूरे हुए हैं और 8वां साल लग जाएगा कल से, इसलिए भी एक पूरा 7 साल के पूरे होने पर हमने ये ब्लैक डे, ब्लैक फ्लैग डे, ब्लैक फ्लैग रेजिस्टेंस डे ये हमने पूरे देश में बनाया है। लोगों की तरफ से, तमाम संगठनों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आगे का क्या रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? 6 महीने हो गए आज किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे, आगे आपको क्या लगता है क्या, क्योंकि मोदी सरकार सुन नहीं रही, आज काफी आक्रोश अलग अलग जगहों पर था, आगे का क्या दिखाई दे रहा है दर्शन पाल जी आपको? तो ये है कि हमारे जो बेसिक बेस स्पॉट है, जो बॉर्डर्स के ऊपर लोग हैं, इनको रिस्ट्रेंथन करेंगे हम। हालांकि आगे आने वाले दिनों में काफी पैडी सोइंग का सीजन भी आएगा 10 जून से, और साथ ही साथ जो अभी मैं देख रहा हूँ कि हर स्टेट में AIKCC SKM के लोग जो हैं वो कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और करेंगे। और तीसरा, ये जो यहाँ स्ट्रेंथन करते हुए हम देशव्यापी जो आने वाले दिनों में कॉल देंगे, उस कॉल्स को पूरे देश के लोग इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही ट्रेड यूनियन के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन बन रहा है उसको और मजबूत करेंगे, और साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टियों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, जो ज्वाइंटली एक उन्होंने लेटर लिखा है इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी जी को, तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में ये लोग भी, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी अगर अपनी तरफ से ज्वाइंटली किसान मोर्चे की हेल्प में, उसकी सॉलिडरिटी के लिए, नॉट एज ए स्टेटमेंट ओनली, केवल नहीं कि अपने अपने घर पर ब्लैक फ्लैग होस्ट किए हैं लीडरों ने, वो भी करें, लेकिन वो इकट्ठे होके रीजनल पार्टीज के लोग, नेशनल पार्टीज के लोग, वो भी कॉल दें लोगों को, अपने अपने लोगों को, कि किसान आंदोलन के पक्ष में है। एंड थर्ड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल हम अभी दे चुके हैं,
जिसकी निटी ग्रिटी हमने अभी प्लान करनी है, जो हमारा शायद परसों का 29 का मीटिंग है उसमें हम एक हद तक करेंगे, वो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जैसे पंजाब मॉडल है, हरियाणा जो इम्प्लीमेंट किया उसको अभी यूपी और उत्तराखंड में इंटेंसिवली इम्प्लीमेंट करना। यानी किसान आंदोलन जो पंजाब और हरियाणा में जितना इंटेंसिफाइड है उतना ही इंटेंसिफाइड उसको डीप रूटेड उसको यूपी में और उत्तराखंड में करना, और उसके लिए हम ठोस प्लानिंग जो है अपनी परसों जो मीटिंग होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की उसमें करेंगे। यहां मैं आपके साथ एक बात और साझा करना चाहूंगी कि ये जो किसान आंदोलन है यह जिस मुकाम पर पहुंचा है वह बहुत ही अहम मुकाम है। जब से मोदी सरकार आई है या उससे पहले की भी सरकारों को आप याद करें, संभवतः कोई भी आंदोलन 6 महीने तक देश की राजधानी पर बिना किसी बड़े पॉलिटिकल सपोर्ट के चला नहीं है। यह आंदोलन अब तक पहुंचा है यहां पर सिर्फ देश के अन्नदाता की मेहनत और उसके हौसले के बल पर। इसका जिंदा रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र में विरोध की जो आवाजें हैं इन्हें जिंदा रखा जा सके। देश के विकास को लेकर जो दूसरे ढंग का मॉडल जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होता है उस पर चर्चा हो, और सबसे बड़ी बात भारत अभी तक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हर एक मतदाता हर एक नागरिक का हक बनता है अपनी सरकार से बातचीत करने का, उस पर दबाव डालने का, अपनी मांगों को रखने का, और यह बहुत जरूरी काम यह आंदोलन पिछले 6 महीनों से कर रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध यानी सच की खोज, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में सच की खोज, सत्ता कोई भी हो निडर होके सच को सामने रखना, और सच के लिए जरूरी है संघ का होना। संघ यानी अपने ढंग के लोगों का एकजुट होना। आज जब हम बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध को याद करते हैं तो याद आता है पूरा का पूरा किसानों का संघर्ष, क्योंकि यह किसान सच के साथ खड़े हैं, निडर होके सच को हमारे और आपके देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। कोरोना हो, मोदी सरकार की मार हो, योगी सरकार की मार हो, खट्टर सरकार की मार हो, सब मार को सहते हुए ये सच के साथ खड़े हुए हैं। और शायद इस संदर्भ में आज किसान आंदोलन को याद करना और आने वाले संकट के साथ किस तरह से किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा, किस तरह से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, वह भी ठीक उस समय जिस समय कोरोना में प्रधानमंत्री का जो पूरा का पूरा दावा था आपदा को अवसर में बदलने का, उससे देश मरघट में बदल रहा है। मरघट में बदलते देश को किस तरह से हम बचा पाएंगे, आज 26 मई को सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपके सामने यही है। शुक्रिया। Thank you.